बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई एक न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ मैं, जो कि हम गैर मुल्कियों के लिए थोड़ी तशवीशनाक ही से बोलूँगा मैं। क्यों भाई, जो गैर मुल्की मेरे भाई यहाँ पर काम करते हैं, जो लेबर हजरात हैं जी, बल्दिया वगैरह में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में किसी फील्ड के अंडर लेबरिंग का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का, वो तो करते ही रहेंगे, उनको कोई भी नहीं निकालेगा। वो उनकी जगह भाई फिर सऊदी तो जाहिर सी बात है लेबर का काम करने से रहे, वो तो वही करेंगे, उनको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन जो अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं आपको यहाँ पर अभी तफसील भी बता देता हूँ, और एक चीज़ से आपको और यहाँ पर आगाह करता चलूँ। कुछ भाई अक्सर अगर इसके मतलब ये सोचें कि सऊदी अरबिया अपनी फ्लैट्स इसलिए ओपन नहीं कर रखा है कि इन बंदों के लिए, मैं अभी आपको तफसील बता देता हूँ, तो भाई इसके मतलब भी आप सोच सकते हैं कौन सी बात है जी आपके माइंड में, जो भी इसके मतलब सवाल है मुझे एक मिनट में ज़रूर बता दीजिएगा। बरहाल ये जो साल चल रहा है इस साल के मुतल्लिक ही बात की गई है कि 23.69% भाई शरह रिकॉर्ड की गई है सऊदी मर्द व खवातीन की जिनको जॉब के ऊपर रखा गया है ये चलते हुए साल में। अच्छा, इसमें 60,000 से जायद मर्द व खवातीन जॉब के ऊपर उन लोगों ने रखे हैं, जिनमें अगर बात करें 60,000 से जायद, मैं इस चलते हुए साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 माह जो गुजरे हैं। अच्छा, जिनमें भाई 65% सऊदी मर्द हैं और 35% सऊदी खवातीन हैं। मैं हायल शहर में काम कर चुका हूं, आपको पता ही काफ़ी कदीम शहर है, तो वहां पर मैंने देखा था हर घर से भाई निकलती है लड़की जो कि जाती है जी जॉब के लिए, काम के लिए, वहां से घर से सरकारी या निजी शोबों की, और ये निजी शोबों की बात हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ये पढ़ रहा हूं भाई कि बाकी जो मेरे परदेशी भाई यहां पर रुके हुए हैं, गैर मुल्की हैं, इनके लिए काम अभी भी चल रहे हैं, जैसा कि ये शरह बताई जा रही है। और 60,000 से जायद सऊदी व मर्द खवातीन यानी कि इन 10 माह के अंदर ही निजी शोबों में उनको जॉब दी गई है, तो ये काफ़ी वैसे हैरानकुन भी और काफ़ी हमारे लिए परेशानकुन बात भी है।